लिट्टी चोखा खाएंगे, झारखंड में बस जाएंगे। ठीक है, दोस्तों। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो मेरा लास्ट व्लॉग था मैके से रिलेटेड, उस व्लॉग पर बहुत सारे कमेंट्स आए और वो सारे कमेंट्स मैंने पढ़े भी हैं और बहुत सारे लोगों को हार्ट्स भी दिए हैं। तो वो जो कमेंट्स थे, वो हर एक कमेंट आप लोगों ने दिल से लिखा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी फीलिंग्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करी है, बहुत सारे लोगों ने कंसर्न जताया है और बहुत सारा प्यार भी दिया है मुझे। तो वही मैंने देखा कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू भी आए। मेरा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं था आप लोगों को रुलाने का, लेकिन उस दिन मेरे अंदर पता नहीं कुछ चल रहा था। और वो होता है ना, एक दिन आप ब्लास्ट हो जाते हो एकदम से, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ज़्यादातर मैं अपनी फीलिंग्स जो है छिपा लेती हूँ, बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार मेरी वजह से आप लोग मत दुखी हो। तो इस वजह से मैं बहुत टाइम ये चीज़ें छिपा लेती हूँ और अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तो वहाँ पर मैंने कमेंट्स में पढ़ा बहुत सारे लोग मेरी वजह से रोए भी, तो उसके लिए सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपको रुला दिया। लेकिन मेरी किसी बात से अगर आपको रोना आया है तो खुशी भी मैं ही आपको दूंगी। तो आज आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए, दिल से शुक्रिया करने के लिए मैंने साड़ी पहनी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ये मेरा थैंक यू बोलने का एक तरीका है आप लोगों को, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे इंडियन लुक में देखना बहुत पसंद करते हैं। आप लोग बहुत खुश होते हो मुझे इंडियन लुक में देखकर, साड़ी पहन के देखकर आप लोगों को बहुत खुशी मिलती है। तो वो खुशी मैं आप लोगों को देना चाहती थी, इसी वजह से मैंने आज ये साड़ी पहनी है। और सेकेंड, प्रशांत को भी खुश करना चाहती थी, क्योंकि प्रशांत को भी मुझे साड़ी में देखना पसंद है, क्योंकि आप तो देखते ही हैं मैं रेगुलर डेज में पैंट और टी शर्ट पहन के घूमती रहती हूँ सारा दिन, क्योंकि घर के इतने काम होते हैं वो सब के साथ ही है। तो उनको ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा जो इजी कॉस्ट्यूम लगता है वो होता है पजामा और टी शर्ट, तो वही डाली और सारे काम ख़त्म कर लिए। लेकिन आज आप लोगों को खुश देखने के लिए, प्रशांत को खुश देखने के लिए और आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए मैंने ये साड़ी पहनी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे। और क्या बोलूँ आप लोगों को, मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम है। मैं शब्दों में आप लोगों को थैंक यू नहीं बोल सकती, क्योंकि जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उनमें इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं ना, कि उनको अगर मैं थैंक यू बोलने चलूँ तो वो थैंक यू का शब्द जो है बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो बस आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो, तो वही फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूं। खैर चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। बाय द वे मैंने चूड़ी भी पहनी है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं थी। ये जो ब्लैक चूड़ी है और ये सारी की सारी मॉल गई हैं, बस कुछ ही बची हैं, जितनी मैंने आपको पहन के दिखाया बस इतनी बची हैं। तो जो थी ना जैसी थी वैसी पहन ली है, और बिंदी लगा ली है, मैरून कलर की सिंदूर लगा लिया है। और जब मैं साड़ी या कुछ इस टाइप का पहनती हूँ और चूड़ी पहनना भूल जाती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि प्लीज़ चूड़ियाँ पहनना मत भूला करिए, तो मुझे आपकी वो बात याद आ जाती है। तो अब मैं जब इंडियन लुक में आती हूँ तो चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, सिंदूर विंदूर सब लगा लेती हूँ। तो चलिए और आज का व्लॉग शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाली हूँ बिहार। हाँ, मैं आप लोगों को आज बिहार भी लेकर जाने वाली हूँ। तो
लॉकडाउन में मैं आप लोगों को बिहार तो नहीं लेकर जा सकती, लेकिन बिहार को यहाँ पर जरूर बुला सकती हूँ। वो कैसे, क्या है ये मेरे हाथ में? सत्तू, राजधानी का सत्तू। ये मुझे ग्रोफर्स पर मिल गया था तो इसीलिए मैंने इसे ऐड कर दिया, और ये मेरे पास आ भी गया है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी चोखा, बिहार की सबसे फेवरेट डिश, सबसे फेमस डिश है ना। कितने लोगों को पसंद है बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ लिट्टी चोखे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर, और इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। पता है घर के पास ही एक शॉप है, वो लिट्टी चोखा बेचते हैं, और वो इतना गरम गरम इतना टेस्टी फ्लेवरफुल लिट्टी चोखा बनाते थे ना कि जब भी दिल करता था बस भाग के जाती थी और 2-3 प्लेट पैक कराई, घर पर आई, गरम गरम खा लिए। लेकिन अब तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है नहीं, बहुत मिस कर रही हूँ बहुत टाइम से। लेकिन क्या हुआ, हम घर में तो बना सकते हैं ना। मन तो मेरा बहुत था कि मैं आज पता है वो ऑरेंज वाला सिंदूर लगाऊं जो बिहार में लोग लगाते हैं, बड़ा ही प्यारा लगता है मेरे को। सारे फेस्टिवल्स पे मैंने देखा है लोग इतना सारा यहाँ तक लगाते हैं वो सिंदूर। मेरा बहुत दिल था कि वो सिंदूर मेरे पास होता तो मैं यहाँ तक भर के लगाती, लेकिन था ही नहीं मेरे पास, क्योंकि हमारी तरफ जहाँ पे मैं रहती हूँ यूपी की साइड में तो वहां पर तो ये मेहरून वाला सिंदूर चलता है, किसी भी शॉप पर जाओ यही सिंदूर मिलता है। हो सकता है मिलता भी हो तो, लेकिन मैंने कभी पूछा भी ना हो, ये भी एक बात हो सकती है क्योंकि मैंने कभी वो वाला सिंदूर लगाया ही नहीं है। तो आज मन तो था, चलो कोई बात नहीं, वो एक कमी मैं महसूस कर पा रही हूँ इस व्लॉग में, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार वो सिंदूर ढूंढकर वो वाला लगा कर आऊंगी आपके सामने। और मैं आपको बता दूं प्रशांत के लिए भी ये सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि वो शावर लेने गए और मैंने आज साड़ी पहनने का प्लान किया है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। तो जब वो नहाकर वापस आएंगे और मुझे साड़ी में देखेंगे तो देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन रहता है। हो सकता है ऐसे ही रहे, जेंट्स का कुछ पता नहीं होता, कभी तो इतना ज्यादा रिएक्शन दे देंगे, कभी थोड़ा सा भी नहीं निकलता। तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। खैर मैंने उनसे ज्यादा आपके लिए पहनी है ये साड़ी आज, तो ठीक है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही इजी। मैंने दाल बाटी चोखा ये बहुत बार बनाया है और मुझे बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को मतलब डाई हार्ट फैन है दाल बाटी और चोखे के, लेकिन कभी लिट्टी चोखा नहीं बनाया घर पे। तो ट्राई करते और बनाते, ज्यादा कुछ खास है नहीं, बिल्कुल वैसे ही बनता है। बस इसमें स्टफिंग जो है सत्तू की होती है, और जो बाटी हम मैं बनाती हूँ उसमें मैं स्टफिंग करना चाहो तो करो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादातर उसमें मटर आलू की स्टफिंग करती थी तो वो बहुत अच्छी लगती थी। तो सेम वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, बस सत्तू की स्टफिंग करनी है हमें। गाइस मम्मी मुझे नहाने भेजी है ना, मैं इतनी सुंदर लग रही हूं। ओहो मेरा नहा, ये देखिए मेरे सनग्लास। आज बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा, आज का टेम्परेचर 40 तक जाने वाला है यहाँ का। तो मैं ना अभी क्या कर रही हूँ, पहले बैगन को गैस के ऊपर बेक करने के लिए रखूंगी, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा चीरा वगैरह लगाकर इसमें देखेंगे। और फिर इसमें थोड़ी होगा तो कुक हो जाएगा ना, नहीं हमें नहीं चाहिए ना कुक। तो इस तरीके से मैं इसमें ये लगा के चेक करूंगी कि कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, 2-3 जगह लगा के चेक कर लेती हूँ। और इसमें ही मैं ना लहसुन भी भर लूंगी, लहसुन से बैगन के अंदर एक बहुत अच्छी खुशबू ऐड हो जाएगी। तो मेरे पास वो वाली नेट तो नहीं है जो गैस पर हम लोग यूज करते हैं, कभी जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने खरीदी भी नहीं, लेकिन मेरे पास ये है तंदूर वाली नेट, तो मैं इससे रखकर देन अपने बैगन और टमाटर को भूनूं। तो मैंने एक चिमटा ले लिया है, इसकी हेल्प से मैं घुमा घुमा कर इसे चारों तरफ से अच्छे से सेक लूंगी, अच्छे से भून लूंगी और इसमें थोड़ा समय लग जाता है, तो जब तक ये भून रहा है इधर तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 कप लिया है गेहूं का आटा, इसमें 1/2 चम्मच मैंने डाला है खाने वाला सोडा, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है,
और उसके बाद मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पर घी ऐड किया है और उसके बाद मिक्स करके इसे अच्छे से देखूंगी। तो हथेली के बीच में मैंने आटे को रगड़ रगड़ कर अच्छे से जो मैंने घी डाला था वो मिक्स कर लिया है, लेकिन ये आटा भी बंध नहीं पा रहा है। तो आटे का बंधना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच और घी ऐड किया है। जब आटा आपका मुट्ठी जब आप बंद करो, आटा अच्छे से बंध जाए, बिखरे नहीं, तो समझिए कि इसके अंदर जो घी हमने डाला है वो बिल्कुल सही मात्रा में पड़ा है। इससे हमारी लिट्टी बहुत ही खस्ता बनेगी, हार्ड बिल्कुल नहीं बनेगी। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि लिट्टी बनाई और वो दांत से टूट नहीं रही है, तो वहां पर आप घी की कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। घी की मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आपकी जो लिट्टी है वो खस्ता बनेगी। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने अजवाइन ऐड करी है और पानी की हेल्प से मैं इस आटे को लगा रही हूँ। तो बस इसको रोटी से थोड़ा सा कर्रा लगाना होता है, और ना तो ज़्यादा मुलायम लगाइए और ना बहुत ज़्यादा कर्रा, रोटी से लेकिन थोड़ा कर्रा, आप समझ गए होंगे। जिस तरीके से मैं अभी दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से ये आटा लगा लीजिए। यहाँ पर मैं टमाटर और बैगन को लगातार रोटेट कर रही हूँ जिससे कि वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं या भुन जाएं। दूसरी तरफ हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप के करीब सत्तू, उसमें डाली है 1 ग्रीन चिली बारीक काट करके, और उसी के साथ मैंने ग्रेट करा हुआ इसमें अदरक ऐड कर दिया है 2 से 3 इंच के करीब होगा, और 7 से 8 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था वो ऐड कर लिया है, धनिया पत्ती ऐड करी है, और 1 टीस्पून के करीब अजवाइन ऐड करी है, और थोड़ा नमक ऐड किया है। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ अचार वाला मसाला। ये अचार का मसाला मैंने थोड़े दिन पहले रेडी करा था और मैंने अपने ब्लॉग में भी शेयर किया था, अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। आप चाहे तो ये वाला मसाला ऐड कर लीजिए, या घर में कोई अचार रखा है उसका मसाला निकाल कर सत्तू के साथ ऐड करिए, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसी के साथ मैंने 1 लेमन का रस ऐड किया है, और मैं 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और सरसों को तेल ऐड करने के बाद देख लीजिए कि सत्तू बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा ना लगे, अगर बिखरा बिखरा सा लग रहा है तो उसमें थोड़ा तेल और ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, जब आप बाटी खाओगे उस टाइम सत्तू ऐसे बिखरेगा नहीं पाउडर की तरह से। तो इतने सत्तू में आपको लगभग 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है। मैंने एक गाना बनाया है कुछ मिक्स एंड मैच करके, जो मुझे अच्छा लगा, देखती हूँ। और गाना ये पहले से ही है, बस मैंने मिक्स एंड मैच किया है। लिट्टी चोखा खाएंगे, झारखंड में बस जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मेरे पास है 3 प्याज, इनको मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, और इसके साथ हमारे टमाटर और बैगन यहाँ पर तैयार हैं, बहुत ही जूसी। आहा, मजा आ रहा है, देखिए इनको, देखिए कितने जूसी बने हैं ये, यम्मी। तो इनका टेस्ट जो आएगा ना बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम बारबेक्यू जैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लिट्टी चोखा बनाने के लिए, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर मैंने बैगन और टमाटर दोनों की स्किन उतार ली है, और उसके बाद जो पाव भाजी वाला मैशर होता है उसकी हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ। इसमें मैं 1 आलू भी ऐड कर रही हूँ। आलू पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डालिए, अदरवाइज आप टोटल बैगन का भी बना सकते हो, चाहो तो टोटली आलू का भी बना सकते हो, ये अपना अपना टेस्ट है कि किस तरीके का पसंद है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा गरम मसाला ऐड किया है, और थोड़ा रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, सॉल्ट भी ऐड करूंगी इसके साथ, और इसके साथ इसमें लेमन भी ऐड करूंगी, लेमन का रस इसमें अच्छा लगता है। इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज भी ऐड करने वाली हूँ। तो कितने सिंपल स्टेप में आपका बैंगन का चोखा बनकर तैयार हो जाता है, और इसमें आप ऊपर से हरी मिर्च और धनिया पत्ती ये भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही डिलीशियस लगता है ये खाने में। चटपटा सा चोखा बना के तैयार कर लीजिए, क्योंकि लिट्टी के साथ बड़ा मजेदार लगता है। वैसे मैंने पता है चटनी भी पीस के रख ली है, धनिया पुदीने की, और उसमें अमिया डाल के, आहा क्या मजेदार चटनी बनी है। तो वो 1-2 चम्मच की और चटनी चटनी बनाई वो वाली धनिया की चटनी बनाई है वो वाली, नहीं ये बहुत टेस्टी लग रहा है ये चोखा है। इसमें 2 चम्मच में कहते चटनी भी डालूंगी, जरा कभी चटनी निकाल के लाना फ्रीज में से, तो उससे ना ये और फ्लेवरफुल लगेगा। हो गया शावर कशिश तुम्हारा? अरे आज साड़ी क्या बात है, तुमको पसंद आया? हाँ साड़ी पहनी है, क्या हुआ फॉर अ चेंज?
अच्छा चलो यार, कितना टाइम लगेगा तुमको? हो गया है मेरा, मैं लिट्टी बनाने वाली हूँ। भूख लग रही है? नहीं भूख नहीं, एक्चुअली में मेरा बैंक जाना है। तो होया हो बैंक से आके खा लेना, चलना पड़ेगा एक्चुअली में मुझे। आप तो अकेले जाते हो, लेकिन इस वाले बैंक में ना तुम्हारा, हम दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है, इसलिए तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जरूरी है मैं जाऊँ? तो मैंने तो लेकिन साड़ी पहनी हुई है, बड़ा अजीब सा हो जाएगा साड़ी पहन के, तो मैं ऐसा कहीं नहीं जाती हूँ, तो पता ही है। ऐसा लगता है जैसे किसी पार्टी में अटेंड करूँ। खुद बैंक से बाहर निकाल देगा, साड़ी पहनने वाले लोग बैंक में अलाउड नहीं है। वो बात नहीं है यार, मुझे अजीब सा लग रहा है। चली जाऊँ या चेंज कर लूँ? नहीं नहीं चलो ऐसे ही, बस ज्यादा देर नहीं लगेगी, 10 मिनट लगेंगे। चलो तो फिर बाटी पर बाटी रख के जाऊँ बंदे वो बन में? नहीं जल जाएगी, लेट भी हो जाएगा, 2 बजे तक बंद भी। बस जल्दी से, हाँ जल्दी से चलो, 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। चलो साड़ी भैया कैसा लगेगा? साड़ी वाली औरतों के ऊपर कैसा लग गया मास्क? ये कैसा लग रहा है? पहली बार साड़ी पे भी मास्क लगा लिया। जैसे साड़ी है और उसके, हाँ ये लो एक बार। गॉड, गाड़ी इतनी गर्म हो रही है, ऐसा लग रहा है उबलता हुआ अंडा। मैं पीछे बैठी हूँ, प्रशांत आगे बैठे हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। और पता है इसको लगाने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही है मुझे, और ऊपर से गाड़ी इतनी गर्म लग रही है। गाड़ी पता नहीं कब से खड़ी हुई है, कब से प्रशांत? बस अभी उस दिन नहीं गया था मैं टायर, हाँ टायर ठीक कराने गए थे जिस दिन, उस दिन निकाली थी इन्होंने। तो मैं तो बहुत दिन बाद बैठी हूँ गाड़ी में आज, कम से कम 1.5-2 महीने बाद। और मास्क लगा के पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्मी भी बहुत है। एक्चुअली मैं 41 डिग्री बता रहा था कि आज। चलो के तो गर्मी में बाहर निकलना, और पानी की प्यास लग रही है। पानी हम लेके नहीं आए क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही काम था, तो बैंक का काम हो गया है हमारा, और घर जाके पानी पीऊंगी मैं आराम से बैठ के। सच्ची में बैंक में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, क्योंकि आपको पता है जो सिचुएशन चल रही है उसमें कितने कम लोगों को वो अंदर आने देते हैं, तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। हाथ और पैर वगैरह सब वॉश कर लिए पूरे अच्छे से, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे स्टफिंग करनी है उनकी लिट्टी की। और मैं ओवन में बनाऊंगी वैसे, लेकिन मैं 2-3 बाटियां यहाँ पे आपको कढ़ाई में भी बनाकर दिखा दूंगी। कढ़ाई में डीप फ्राई करनी है। बैठ जाती हूँ आराम से, तब बनाऊंगी लिट्टी। बैठे बैठे थोड़ा सा टांगों को भी आराम मिल जाएगा। ऐसे कर लिया, अब नीच में अंगूठा करो ऐसे अंदर, हाँ दोनों उंगलियों से करो, और अब इसको ऐसे से घुमाओ इसके, हाँ बिल्कुल। अब दिए की शेप बना लो या कटोरी की शेप, जो भी आप बोलना चाहो। 1 चम्मच सत्तू भरना है, 1 चम्मच कम रहेगा, क्योंकि इसमें अच्छे से सत्तू भरोगे तो ज़्यादा फ्लेवरफुल लगेगा। तो
और दो चम्मच सत्तू भर रहे हैं, तब आ दो उसके बाद, वरना निकल भी सकता है। ठीक है, बढ़िया। अब एक और बना के दिखाओ मम्मी को अच्छे से। तो पहले हम लोग 200 डिग्री पर इसे प्री हीट कर रहे हैं 5 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है, तब तक मैं कुछ बाटी गैस पर आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो गैस पर डीप फ्राई करके तो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, साथ में ओवन में भी बना रही हूँ। लेकिन लिट्टी का जो असली ट्रेडिशनल तरीका है वो है कोयले पर। अंगीठी में कोयले डालकर देन उसके ऊपर जाली लगाकर देन सेकी जाती है हल्के हल्के। बेकिंग होने में लगेगा टाइम और अब मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ लेट, जब बनता रहेगा। क्योंकि इसमें बेकिंग जब आप करते हो ना तो टाइम लग जाता है, कम से कम जैसे मैंने सेकी बाटियाँ, मैंने तुरंत सारी बाटियाँ सेक ली, और जब बेक करने चलते हो तो कम से कम 20-25 मिनट वेट करो, तब जाके वो आराम से स्लो कुक होती हैं। लेकिन ये है कि कम तेल घी से बन जाती हैं बिल्कुल भी, बल्कि बिल्कुल भी तेल और घी नहीं यूज़ होता है, और यम्मी भी बनती है। प्रशांत यहाँ मैं थक गई, मैंने थक के मैं लेट गई, मैं कहा मैं इतनी देर नहीं खड़ी हो सकती। जनरेटर चल रहा है, हाँ एसी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि हमारी एसी का जो जहाँ एसी लगा हुआ है वो एल्युमिनियम का फ्रेम है तो आवाज़ बहुत करता है। हाँ इतनी आवाज़ करता है ये फ्रेम, तो निकलवा के ना दोबारा लगवाई है, क्या करें इसका फ्रेम में जैसी ये एसी फिट हुआ है उस दिन से ये ऐसी आवाजें करता है। और तो और पता है चौक के उठ जाती हूँ मैं एसी की वजह से, क्योंकि ये रात में जनरेटर की तरह चलता है, कभी ट्रेन की तरह चलता है कभी जनरेटर की तरह, मतलब चैन से नींद भी नहीं आती इसकी वजह से। तुम क्या देख रहे हो मुझे? मैं देख रहा हूँ कि मेरी बीवी थोड़ी डिफरेंट लग रही है आज, साड़ी पहन के। साड़ी पहन के ये रूप तुम्हारा कभी कभी देखने को मिलता है। तो तुम्हें आज वो मौका मिल गया। मिल गया, वाओ, क्लैपिंग। तो चेक कर लेते हैं कि कैसे बने। वैसे भी सबर नहीं हो रहा, बहुत तेज भूख लगाई है। ओके, बीच में मैंने एक बार पलट दिए थे तो अच्छे बन गए हैं अभी। वाव, कुरकुरे एकदम। वाव, यम्मी। तो लिट्टी चोखे को कैसे सर्व करना है, गरम गरम बाटियां लेनी है, इसको हल्का सा आपको क्रैक करना है, हल्का सा इस टाइप से, पूरा नहीं करना है बस हल्का सा करना है, और इसे घी में डिप कर देना है। तो इस तरीके से इसे घी में डिप करना है। तो अगर आप घी नहीं खाते हो तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो। इसको सर्व कर सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी के साथ, जो हमने चोखा रेडी किया है वो सर्व करिए इसके साथ। तो यहाँ पर लिट्टी चोखा आपका बनकर तैयार है। कशिश चलो आ जाओ, लिट्टी चोखा बन गया। ये लिट्टी चोखा बन गया, एक्साइटेड, आ जाओ आज हम यहाँ पे खाएंगे। हाँ तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले किसने टेस्ट किया है? मैंने। कैसा लगा? बहुत टेस्टी थी और घर संसार से दूर है, बहुत ही टेस्टी है। इसलिए लौट आए, सत्तू बहुत ही अच्छा है फ्लेवर में, बहुत ही अच्छा है। अगर पुराना सत्तू होता है ना तो इतना टेस्ट नहीं आता। बेक वाली तो और अच्छी है, टाइम इनमें कम लगा है लेकिन सेकने वाले में। हाँ लेकिन बेक वाली बहुत देर में कुक हुई है, कम से कम 25 मिनट लग गए थे।
तो लिट्टी चोखा खाने के बाद मुझे अब नींद के झोंके आ रहे हैं, अब मैं आराम से सोऊंगी। आज मैंने सोचा है कि मैं पूरे व्लॉग में साड़ी पहन कर रखूंगी, तो व्लॉग एंड होने तक मैं ये साड़ी पहन कर रखने वाली हूँ। 24 आवर्स साड़ी चैलेंज। मैंने कोई चैलेंज वैलेंज नहीं लिया है, बस मुझे आज पूरे व्लॉग में साड़ी पहननी है और इसके बाद पहन के भी सोनी है, जैसे वो टीवी एक्ट्रेस करते हैं ना, ऐसे बिल्कुल ज्वेलरी वूलरी सब पहन के। आज तो बहुत दिनों में मुझे दोपहर में सोने का मौका मिल गया। अगर थोड़ा सा भी सो जाओ ना दोपहर में तो बड़ा अच्छा लगता है, लगता है कि सारी थकान जैसे दूर हो गई हो आपकी। वैसे आज दोपहर में जितनी गर्मी थी, शाम को थोड़ा सा ठीक हो गया है मौसम। अभी टेम्परेचर कितना हो गया? ये 37 डिग्री सेल्सियस है। आज रात न्यूनतम 24 डिग्री होने की संभावना है। तो लगभग 37 डिग्री के करीब, मतलब 37 डिग्री हो रहा है इस टाइम टेम्परेचर, यानी कि ज़्यादा डाउन नहीं गया है, लेकिन रात तक 24 डिग्री तक पहुँच जाएगा। कशिश, तुमने आज प्रॉमिस किया था आज शाम की चाय तुम बना कर दोगी हमें, दे रही हो या नहीं, या मैं बना लूँ? यार शाम की चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मॉर्निंग की चाय ना एक मेन रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। आप जैसे वेकअप होते हो वैसी वेकअप टी मिल जाए तो बूस्टअप हो जाते हो ना, सारा काम करने की एनर्जी आ जाती है। ऐसी इवनिंग की जो चाय है ना, वो क्या रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में? प्रशांत आप बताओगे इवनिंग की चाय आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ वो तो मॉर्निंग के लिए है बैटरी रिचार्ज करना, इवनिंग की चाय क्यों इंपॉर्टेंट है? इवनिंग की चाय से भी बैटरी रिचार्ज होती है। आप लोग भी बताना मेरे को कि आप लोगों के लिए इवनिंग की चाय क्यों इम्पोर्टेंट है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लगता है कि चलो वो तलब होती है, मुझे नहीं पता क्यों ज़रूरी है, आई डोंट नो रियली एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, बस मुझे लगता है कि शाम की चाय ज़रूरी है, एक तलब सी होती है शाम के टाइम। चलिए गाइस, आज का व्लॉग था इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर इजीली पहुंच जाएंगी। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय। Of emotions, so now I'm the light.